तो पाकिस्तान हर हमले के सबूत मांग रहा है और अब ये सबूत सामने भी आ गए हैं, लेकिन जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी उनके भी सबूत सामने हैं, लेकिन वो पेश नहीं किए जाएंगे। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर आज पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक पर खुलकर बोले। उन्होंने इस ऑपरेशन को 100% कामयाब बताया और कहा कि देश हित में अगर इनके सबूत पेश किए जाते हैं तो वो रोड़ा बन सकते हैं देश हित के लिए। जो सर्जिकल स्ट्राइक है वो तो कर दिया है, लेकिन ये करते करते एक भी हमारा सैनिक शहीद नहीं हुआ। 100% परफेक्ट सर्जिकल स्ट्राइक मुझे लगता है बहुत कम समय पूरे दुनिया ने देखा होगा, लेकिन हमारे सैनिकों के पास ये जिगर है, ये शौर्य है कि वो केवल काम करने से रुकते नहीं है, लेकिन काम पूरा 100% सक्सेस के साथ करते हैं। किसी ने अभी बोलते बोलते कहा कि रक्षा मंत्री एक सीधे साधे हैं, मुझे लगता है डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री सीधे साधे नहीं होने चाहिए। मैं सीधा सोचता हूँ, लेकिन देश की जब रक्षा करने का सवाल आता है उस समय टेढ़ा भी सोच सकता हूँ। कई लोगों ने शंका भी व्यक्त की, किसी का नाम नहीं लेना चाहता, अभी तक भारतीय सेना के शौर्य के ऊपर किसी ने शंका व्यक्त नहीं की थी। पहले बार देख रहा था थोड़े लोग डर के शंका व्यक्त कर रहे थे कि इस देश में, देश का, इस सरकार में, मोदी जी के नेतृत्व में देश की जो सीमाएं हैं वो सुरक्षित है और आप इस बारे में निश्चिंत रह सकते हैं। तो सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, सरहद पर लगातार सीज फायर तोड़ा जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। फायरिंग की जद में रिहायशी इलाके भी आ चुके हैं और आज तक संवाददाता कंवलजीत संधू ने वहां जाकर आरएसपुरा सेक्टर में उस पोस्ट पर जायजा लिया जहां 2014 में जबरदस्त हमला हुआ था। देखिए ग्राउंड जीरो से कंवलजीत संधू की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बीएसएफ के जवान मेरे पीछे पेट्रोलिंग कर रहे हैं और ये एक अहम हिस्सा है बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर। ये होता ही रहता है, लेकिन अब 100% जिसे कहते हैं 100% विजिल बढ़ गया है। बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान है और वहां से हमेशा आंखें भारत की ओर देखती रहती हैं। हम देख सकते हैं कितनी बार लॉन्चिंग पैड से आतंकी अंदर घुसने की कोशिश करते रहे हैं लेकिन नाकाम रहे हैं, और पिछले 24 घंटे में हम देख चुके हैं कि 3 बार इन्फिल्ट्रेशन बिड हुई है और इसी वजह से चौकसी 100 गुना बढ़ा दी गई है। बीएसएफ के अलावा अब सेना भी कई पोस्ट पे पीछे खड़ी है, लेकिन अगर हम बात करें इंटरनेशनल बॉर्डर पे जहां पे काफी हिस्सा बीएसएफ ने संभाल रखा है, आप देख सकते हैं कितनी दूरी बीएसएफ की बंकर से दूसरे बंकर तक की है। आप यहां पे बंकर देख सकते हैं, एक हाइट पर है, उसके बाद आपको जल्द दिखाते हैं कि दूसरा बंकर बिल्कुल ठीक पीछे 1 किलोमीटर की दूरी पर होगा और इसी वजह से हर थोड़ी दूर दूरी पर बंकर बने हुए हैं ताकि लगातार चौकसी बनी रहे, कोई भी गैप ना रहे। चाहे हम बात करें थर्मल हैंडहेल्ड डिटेक्टर्स की, चाहे हम बात करें लेजर बीम्स की, सिक्योरिटी काफी हद तक बढ़ा दी गई है और चौकसी बनाने के लिए बोला गया है। कैमरा पर्सन पिनाकी सेन के साथ कमलजीत संधू, इंटरनेशनल बॉर्डर आज तक।